जानिए तीन खतरनाक चीजें जो डायबिटीज को कभी जड़ से खत्म नहीं होने देगी। स्वास्थ्य और सुंदरता संबंधित नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए डॉक्टर ठक्कर्स हेल्थ प्लेनेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक मकान है, इस मकान में एक बड़ा कमरा है और इस बड़े कमरे में एक बड़ी खिड़की है। रोज इन खिड़कियों से कुछ लोग उस बड़े कमरे में कचरा फेंक कर भाग जाते हैं। एक सफाई कर्मचारी ने कई घंटों तक कड़ी मेहनत करके इस कचरे को साफ किया। अब वह कमरा साफ हो गया है। क्या इतना करने से वह कमरा हमेशा के लिए साफ रहेगा? जी नहीं। अगर वे लोग रोज खिड़कियों से कचरा फेंकते रहेंगे तो सफाई करके कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से सिर्फ डायबिटीज की दवाई या इंसुलिन के इंजेक्शन लेने से और इस रोग में लाभकारी घरेलू उपाय या आहार आजमाने से रोग से हमेशा के लिए मुक्ति पाना संभव नहीं है। हीलिंग डाइट की मदद से यह रोग रूपी गंदगी तो साफ हो जाएगी, लेकिन अगर हमने शरीर में इस रोग को पैदा करने वाली चीजों को फेंकना बंद नहीं किया तो हम हमेशा के लिए रोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारी सारी मेहनत भी बेकार जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी तीन चीजों के बारे में जो टाइप 2 डायबिटीज को कभी भी जड़ से खत्म नहीं होने देगी। यह तीन चीजें टाइप 1 डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में बाधक है। डायबिटीज को जड़ से खत्म करने में सहायक एक उत्तम घरेलू उपाय इस वीडियो के अंत में बताया है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष ठक्कर आपका आरोग्य मित्र स्वागत करता हूँ आप सभी का डॉक्टर ठक्कर हेल्थ प्लेनेट में। चलिए शुरू करते हैं। तीन चीजें जो डायबिटीज को कभी जड़ से खत्म नहीं होने देगी, इनके बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि डायबिटीज कैसे होती है। हमारे दिमाग, दिल, मसल्स और शरीर के अन्य सभी अवयवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस ग्लूकोज को सामान्य रूप में शर्करा या शुगर के नाम से जाना जाता है। चावल, दाल, रोटी, फल और स्टार्च युक्त पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम ऐसे पदार्थ खाते हैं, हमारा शरीर एंजाइम्स और अन्य रसायनों के उपयोग से आंतों में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, जिससे अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज मिलता है। यह ग्लूकोज आंतों के माध्यम से अवशोषित होकर मस्तिष्क और शरीर की अन्य कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। इस ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए इंसुलिन हार्मोन रूपी चाबी की जरूरत होती है। हमारे शरीर की पेनक्रियाज ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन तैयार होता है। जब हमारे रक्त में ग्लूकोज प्रवेश करता है, तब पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन को भी रक्त में भेजा जाता है। यह इंसुलिन कोशिकाओं तक पहुंचकर उनका ताला खोलता है। जैसे ही इंसुलिन द्वारा ताला खोला जाता है, कोशिकाओं का ग्लूकोज को ग्रहण करने का दरवाजा भी खुल जाता है और ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश करता है। बिना इस इंसुलिन रूपी चाबी के ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए इंसुलिन हार्मोन की शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों में यह गलतफहमी है कि सभी प्रकार के डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, लेकिन सच तो यह है कि टाइप 2 डायबिटीज यह टाइप 1 के विपरीत होता है। इसमें पेनक्रियाज वाला इंसुलिन का निर्माण तो ठीक से होता है, लेकिन कुछ कारणों से कोशिकाओं के ताले का मुख खराब हो जाता है, जिससे इंसुलिन रूपी चाबी इस ताले को खोलने में असफल होता है। इस स्थिति को इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है। इस वजह से ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसके फलस्वरूप खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज बहुत ही सामान्य है। कुल डायबिटीज के सभी मरीजों में से टाइप 2 के मरीज 90 से 92% है। अब हम जानते हैं वह तीन चीजें जो डायबिटीज को कभी जड़ से खत्म नहीं होने देगी। यह वही तीन चीजें हैं जो कोशिकाओं के ताले को खराब करती है, जिस वजह से इंसुलिन इस तालों को खोल नहीं पाता। एक, वसा यानी गंदे कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा। जब आपके रक्त में वसा यानी गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तब रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल कोशिकाओं के लोक में
च्युइंगम की तरह चिपक जाता है। यह वही लॉक है जिसे इंसुलिन रूपी चाबी द्वारा खोला जाता है। यह लॉक खुलने पर ही कोशिकाओं के दरवाजे ग्लूकोज के लिए खुलते हैं, लेकिन जब लॉक में वसा चिपक जाता है तो इंसुलिन उसे खोल नहीं पाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। लगभग 50% लोगों को अधिक मोटापे के कारण टाइप 2 डायबिटीज होता है। डीप फ्राइड फूड में ट्रांसफैट होता है जो हानिकारक वसा है, इसलिए इन्हें नहीं खाना चाहिए, जैसे फ्रेंच फ्राइड, भजिया, समोसा, वड़ा आदि। अधिकतर एनिमल फूड्स में भी हानिकारक वसा होता है, इसलिए जब डायबिटीज से मुक्ति पाने की प्रक्रिया में आप हो तो नॉनवेज फूड भी नहीं खाने चाहिए। अम्ल प्रधान फूड, एसिडिक फूड्स। हम जो पदार्थ खाते हैं उनमें से कई पदार्थ पाचन क्रिया के अंत में अम्लीय अवशेष यानी एसिडिक रेसिड्यू उत्पन्न करते हैं और दूसरे कई पदार्थ क्षारीय अवशेष यानी अल्कलाइन रेसिड्यू उत्पन्न करते हैं। इन दो प्रकार के पदार्थ को क्रमशः अम्ल प्रधान फूड यानी एसिडिक फूड्स और क्षार प्रधान फूड यानी अल्कलाइन फूड्स कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में अल्मों की मात्रा 25% और क्षारों की मात्रा 75% होती है। अम्ल प्रधान फूड यानी एसिडिक फूड्स अधिक खाने से रक्त में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और तब यह एसिड कोशिकाओं के लॉक के होल में सूजन पैदा करता है, जिससे इंसुलिन इसे नहीं खोल पाता है। इसके फलस्वरूप भी ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। एसिडिक फूड्स कौन से हैं? मनुष्य द्वारा निर्मित आहार प्रायः एसिडिक होता है, जैसे तले भुने पदार्थ, सफेद चावल, कचौरी, सेव, नमकीन चीजें, चाय, कॉफी, शराब, तंबाकू, मांस, चीनी, मिठाइयां, नमक आदि। इसलिए डायबिटीज से मुक्ति पाने की प्रक्रिया में इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए। खासकर सुबह उठ के चाह, बिस्कुट, पोहा जैसे एसिड युक्त चीजों से शुरुआत तो नहीं करनी चाहिए। 3. दूध और दूध से बनी चीजें, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। हम सभी ने यह सुना होगा कि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और अनेक विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं और यह अच्छे आरोग्य के लिए लाभकारी है। अनेक वर्षों तक मैं भी यह जानता था और मानता भी था, लेकिन जब कुछ ऐसे चौंका देने वाले संशोधन और वैज्ञानिक आंकड़े मेरे सामने आए जिससे मुझे यह मानना ही पड़ा कि वर्तमान समय में दूध पीना आरोग्य के लिए लाभकारी नहीं है, खास करके डायबिटीज के मरीज के लिए। ऐसा क्यों? इसके अनेक कारण हैं। कारण 1, दूध हानिकारक चर्बी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। दूध पीने से हानिकारक चर्बी और कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ता है, जो कोशिकाओं के लॉक में च्युइंगम की तरह चिपक जाता है। इसके आगे क्या होता है यह तो अभी आप जान गए हैं। इसके फलस्वरूप इंसुलिन कोशिकाओं के लॉक को नहीं खोल पाता है और ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इससे मोटापा और हार्ट के ब्लॉकेज होने का खतरा भी बढ़ता है। कारण 2, दूध और दूध से बनी चीजें एसिडिक होती है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन शरीर के पीएच पर अम्लीय प्रभाव यानी एसिडिफाइंग इफेक्ट्स डालता है। कारण 3, दूध में IGF यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, जो इंसुलिन के रिसेप्टर यानी ताले के छिद्र को बंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। कारण 4, अधिकतर दूध पहले जैसे प्राकृतिक स्वरूप में नहीं होते हैं। कुछ वर्षों पहले दूध गाय या अन्य जानवरों से निकालकर कच्चे रूप में ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी के समय में अधिकतर दूध पास्तुरीकरण और अन्य प्रक्रियाओं के बाद हमारे पास आता है। इन प्रक्रियाओं के कारण दूध का अम्लीय प्रभाव एसिडिफाइंग इफेक्ट्स बढ़ता है और अनेक महत्वपूर्ण एंजाइम्स और विटामिन्स भी नष्ट हो जाते हैं। कारण 5, अभी के समय में अधिकतर दूध में अनेक हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जानवरों को हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। रोग न हो इसलिए गाय भैंस को एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। यह सब दवाई डायरेक्ट दूध में आ जाती है। इसका पाचन और प्रतिकार तंत्र पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दूध देने वाले जानवरों के स्तन में इन्फेक्शन के कारण मवाद हो जाता है, जो दूध को भी कीटाणुओं से दूषित कर सकता है। अनेक संशोधनों से यह बार बार देखा गया है कि दूध और दूध की चीजों को बंद करने से ब्लड शुगर नॉर्मल होने की यानी डायबिटीज ठीक होने की गति बढ़ जाती है। अनेकों डायबिटीज के मरीजों की ब्लड शुगर सिर्फ दूध और दूध की चीजें बंद करने से 50 से 100 यूनिट तक कम हो गई है। जी हाँ, सिर्फ दूध और दूध की चीजें बंद करने से। यह प्रयोग आप भी कर सकते हैं। सिर्फ 15 दिन के लिए अन्य सभी चीजों को और दवाई को समान रखें और सिर्फ दूध और दूध की चीजें बंद करें और देखें ब्लड शुगर लेवल में फर्क।
पहले प्रयोग करें फिर विश्वास करें। दूध के विषय में अधिक वैज्ञानिक माहिती देने वाले वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे भी अवश्य देखें। डायबिटीज के जीन्स होते हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसके होने से डायबिटीज नहीं होता है। यह जीन्स को एक स्विच की तरह ऑन ऑफ यानी बंद और चालू किया जा सकता है। जब यह जीन्स ऑन होते हैं तभी डायबिटीज होता है। इसे ऑन और ऑफ करने वाले घटक है हमारी आहार पद्धति, जीवन पद्धति और विचार पद्धति, जो हमारे नियंत्रण में है। क्या डायबिटीज जड़ से और हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंसुलिन तो जरूरत से ज्यादा है। अनेक विशेषज्ञों ने यह बार बार साबित करके दिखाया है कि अगर डायबिटीज को पैदा करने वाले कारणों और गलतियों को दूर किया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज 3 से 30 दिनों में ही जड़ से और हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 3 से 30 दिनों में जड़ से खत्म हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार डायबिटीज को पैदा करने वाले कारणों और गलतियों को दूर किया जाए तो टाइप 1 के कुछ मरीजों में यह रोग जड़ से और हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, लेकिन अन्य टाइप 1 के मरीजों को इंसुलिन की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन टाइप 1 के उन मरीजों में भी इंसुलिन का डोज अवश्य बहुत ही कम किया जा सकता है और अन्य रोगों का खतरा भी कम किया जा सकता है। डायबिटीज को जड़ से खत्म करने में सहायक एक उत्तम घरेलू उपाय और महत्वपूर्ण टिप एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप या आपका कोई परिचित व्यक्ति रोग से दुखी है, असफल उपचारों से निराश है या उसे ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो मुझसे अवश्य बात करें। 18 वर्षों के अनुभव आधारित इस दुख को दूर करने या कम करने का कोई उपचार मेरे को पता होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। मुझसे बात करने के लिए FC टाइप करके 8097174446 नंबर पर व्हाट्सएप करें। 5 गलतियां जो डायबिटीज और अन्य रोगों को जड़ से नष्ट नहीं होने देती, इस विषय में जानने के लिए यह ईबुक अवश्य पढ़े, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। डायबिटीज को जड़ से खत्म करने में सहायक एक उत्तम घरेलू उपाय, मेथी के दाने। मेथी के दाने आपके रसोई में उपलब्ध हो गए या आप इसे बाहर बाजार से भी खरीद सकते हैं। यह डायबिटीज के लिए एक उत्तम और सस्ती औषधि है। सबसे खास बात यह है कि मेथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मेथी के दाने रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में डालकर रख दे। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पी जाए और ऊपर से ये दाने को भी चबा कर खाए। यह प्रयोग ब्लड शुगर को कम करने में बहुत ही लाभकारी है। यह प्रयोग 3 से 6 महीने तक करना है। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़े रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो।